ये आने वाला 4 तारीख बता देगा, फिर हमको भी पता चल जाएगा क्यों इतना दूर आए हैं। परिवर्तन तो होगा इस बार, परिवर्तन होगा क्योंकि मोदी जी की जितनी भी रैलियां हुई उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे कोई बात नहीं हुआ। सिर्फ पप्पू जाएंगे जेल, तेजस्वी जाएंगे जेल, फलाने जाएंगे, ये कोई मुद्दा होता है? अरे हमारे बारे में बात करिए कि हमारा विकास कहाँ से होगा, हमारे भविष्य कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इस पर कोई कह नहीं। तो परिवर्तन तो होना है, ये जनता मूड बना चुकी है, परिवर्तन श्योर। क्या नाम आपका? बब्बू मिश्रा जी। बता दिए धीरे से कि 4 तारीख तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है, क्या कारण नजर आता है? अभी तक बीजेपी सरकार जब से है तब से इनका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो पिछले सरकार कार्य की है उसी को ये अपना चला रहे हैं। इनका कोई नया यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है और जनता भी जान गई है कि इनको हटाना है, यूपी से भी हटाना है और केंद्र से भी इनको हटाना है। और जनता पूरी मुंड बना ली है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। क्या नाम आपका? विनीत सरोज जी। आप पर आते हैं, अच्छी बात यह, पूछने की जरूरत नहीं, आम आदमी तो नहीं है, गमछा ही सब कुछ साफ बता देता है जी। क्यों लगता है ऐसा कि जहां पक्ष में प्रचार कर रहे हैं वहां उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है? हमने 2 बार आप लोगों को मेहनत करते उत्तर प्रदेश में देखा, परिणाम उस अनुरूप नहीं रहे, इस बार उम्मीद क्यों दिख रही है? देखिए उम्मीद इसलिए दिख रही है कि आप देखिए चुनाव चल रहा है, ठीक है। 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या मुद्दा था उनका कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम जो है काला धन विदेश का वापस ले आएंगे, ठीक, लोगों को बहुत खुशहाल भारत होने जाएगा, ठीक, लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। क्या इस मुद्दे पे जिस देश की करेंसी वैल्यू घटती है वो देश शर्मसार होता है? तो क्या जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया है इसमें इन्होंने कहा क्या कि 10 साल बाद हम इतने मैनिफेस्टो पे इतना काम कर चुके हैं ये काम करेंगे? या जो भी रैलियां हो रही हैं लगातार आप देखिए जहां भी कर रहे हैं, इन्होंने किसी भी रैली में अपने मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा किया कि हमारा ये मैनिफेस्टो है हम ये करेंगे? भाई हमारे राहुल गांधी ने तो बोला ना कि हम जो है आएंगे और जो है अगले महीने की 1 तारीख को 4 तारीख को परिणाम आएगा, अगले महीने से आपका जो है जुलाई से खटाखट जो है पैसा और अकाउंट में महिलाओं के, गरीब महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएगा जो उनके जीवन यापन के लिए सही है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम रोजगार की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं कि हम 30 लाख रोजगार जो रुका हुआ है सेंट्रल का वो हम देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सेंट्रल का हो रहा है, अभी किसी स्टेट का चुनाव नहीं हो रहा है कि स्टेट के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल क्या योजनाएं देगा, हम मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे जो जरूरी है गरीबों के लिए, जो आज वर्तमान व्यवस्था चल रही है, जो महंगाई की स्थिति चल रही है उसमें जो है पैसा का बढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हुई है, करेंसी वैल्यू आप देखिए $84 पहुंच गया, हमारा पैसा कहाँ है? महिला सुरक्षा पर कहीं कोई बात हो रही है? आप रेवन्ना के बारे में बात नहीं करेंगे जो छोड़ के भाग गया, मिजोरम पे के बारे में आप बात नहीं करेंगे, मणिपुर के बारे में आप बात नहीं करेंगे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप अग्निवीर 4 साल का पैदा करेंगे, आप बिजनेसमैन पूरे देश के अंदर केवल 10 से 5 बिजनेसमैन है, एक लोअर क्लास का बिजनेसमैन जो यहाँ चाय भी बेच रहा है वो भी एक व्यवसायी है, उसके बारे में आप सोचने का काम क्यों नहीं करते? किसानों की बात आप क्यों नहीं करते? आप जो देखिए जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया कि जो है बॉर्डर पे जवान और खेतों में किसान अगर नहीं रहेगा तो ना हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा ना हमारे देश की जनता सुरक्षित रहेगी, लेकिन क्या है आप अग्निवीर 4 साल का पैदा कर रहे हैं। वो लड़का जो किस घर के जो है किसके बड़े आदमी के घर का लड़का जाता है जो बॉर्डर पे जो नौकरी करने के लिए, किस परिस्थिति में वो जा रहा है, 4 साल में उसका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर कोई विचार है? आप देश के प्रधानमंत्री, आप हमारे ही प्रधानमंत्री हैं, नौजवान कहाँ है? आपने IIT की फीस कितनी बढ़ा दी, नौकरियां आपने जो 10 सालों में कितने दे दी, कहीं इस पर कोई बात हो ही नहीं रही है, लोगों को केवल भरमाया जा रहा है। बात क्या हो रही है, हिंदू मुस्लिम, बात क्या हो रही है, पाकिस्तान, पूरे हिंदू दुनिया के अंदर सबसे मजबूत देश पाकिस्तान है, लेकिन बात उसी के बारे में होती है ना। आप चाइना से बात करेंगे तो ठीक है, आप कहीं मस्जिद में जाएंगे तो ठीक है, आप कहीं जाएंगे तो फलाना आदमी मंदिर क्यों गए, आप डिसाइड करेंगे कि हम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? हमारा जब मन करेगा तो मंदिर जाएंगे, हमारा जब मन करेगा तो मस्जिद जाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, यह हिंदुस्तान है। बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मीकांत शुक्ला। सबसे पहले हमारे धरती पर आपका स्वागत है, प्रणाम है। यहाँ पर देखिए न मोदी जी लड़ रहे हैं, न राहुल जी लड़ रहे हैं, न अखिलेश लड़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाना है, यही जनता मूड बना ली है और इस बार उखाड़ के इन्हें फेंक देगी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से,
देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर amarujala.com।